हाय, मैं हूँ मनीषा जोशी फ्रॉम रोड टू वेब डॉट इन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू ऐड सीएसएस। उसके तीन मेथड है, वो है इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन। इंटरनल मतलब एचटीएमएल के फाइल के अंदर ही देना होता है, उसे हेड के अंदर। एक्सटर्नल मतलब उसका एक अलग से, जैसे एचटीएमएल का फाइल बनता है वैसे सीएसएस का एक अलग फाइल बनता है, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट सीएसएस, उसे कहते हैं एक्सटर्नल, और उसे लिंक किया जाता है HTML के फाइल से। और तीसरा होता है इनलाइन। तो इनलाइन में है मतलब उसी हेडिंग और पैरा को कलर देना। इसे हम अभी प्रैक्टिकली करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ इनलाइन। तो मैं एक हेडिंग दे देती हूँ उसके लिए, ओके। अभी मैं इनलाइन मतलब होता है उसी लाइन में। अभी यहाँ पे मैं दो हेडिंग देती हूँ, एक ये हेडिंग है और एक यहाँ पे दूसरा हेडिंग है। तो दो हेडिंग हो चुकी है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे H1 में एक स्टाइल देती हूँ, सॉरी स्टाइल। तो CSS हमेशा स्टाइल से स्टार्ट होता है। अभी मैं यहाँ पे इसको एक कलर दे देती हूँ। कलर मीन्स होता है वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी। तो कलर मैं यहाँ पे ग्रीन देती हूँ, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो स्टाइल यहाँ पे मैंने एक ही लाइन को क्या दिया है, कलर किया है, और कलर किया है राइट। तो हेडिंग इसी लाइन को, तो इसे कहेंगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइन है ग्रीन कलर की हो गई है। क्यों? क्योंकि वह उसी लाइन में मैंने सीएसएस दिया है। तो उसे कहते हैं इनलाइन सीएसएस। मतलब किसी एक हेडिंग या पैरा, किसी एक लाइन को कलर या कुछ भी चेंजेस करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, उसका मार्जिन पैडिंग कुछ भी चेंजेस करना है, तो उसे क्या कहेंगे, इनलाइन सीएसएस, किसी एक लाइन के लिए। अभी जो मैं बता रही हूँ इनलाइन सीएसएस, ये हो गया इनलाइन, सॉरी। अभी मैं बता रही हूँ आपको इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस जो है वो हेडिंग के अंदर आता है। तो हेडिंग के अंदर आपको स्टाइल देना है। स्टाइल देने के बाद आपको लिखना है कि किसी आपको किस हेडिंग या किस पैरा को, एक पैरा भी दे देती हूँ मैं यहाँ पे, ओके। तो आपको किस हेडिंग या पैरा को वो स्टाइल देना है। तो उसके लिए हमेशा आपको पहले स्टाइल देने के बाद यहाँ पे आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे पी लिख देती हूँ, पी मतलब पैरा, फिर कर्ली ब्रैकेट, ओपन और क्लोज। ये कंपलसरी है, आपको किसे स्टाइल देना है उसका नाम, और कर्ली ब्रैकेट, क्लोज और ओपन भी देना कंपलसरी है, क्योंकि सीएसएस कर्ली ब्रैकेट, ओपन और क्लोज में ही लिखा जाता है, अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस कर रहे हो तो। वरना इनलाइन में आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना होगा। तो अभी यहाँ पे मैं इस पैरा को कलर देती हूँ ब्लू, ठीक है, और इस पैरा का फॉन्ट साइज भी चेंज कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे 20 पिक्सल ले लेती हूँ। अभी ये यहाँ पे इसे कहते हैं इनलाइन। अभी मैं इसे सेव करती हूँ। तो आप देखोगे ये पैरा जो है ब्लू कलर का हो गया है और 20 पिक्सल का हो गया है। अभी मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ इसे, 50 पिक्सल का कर देती हूँ पैरा। तो देखोगे आप 50 पिक्सल का हो गया ये पैरा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पी लिखा है इसीलिए ये पी को ही कर रहा है, बाकी सबको नहीं कर रहा है। तो इसे कहते हैं इंटरनल सीएसएस, मतलब ये इंटरनली लिखा है एचटीएमएल के फाइल के हेड के अंदर, ठीक है। यही यहाँ पे इसका स्टाइल ओपन और क्लोज भी होगा हेडिंग का, और ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इसे कहेंगे हम इंटरनल सीएसएस। और लास्ट जो है वो है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस आपको कैसा करना है, फाइल में जाके आपको एक न्यू बनाना है, यहाँ पे आपको ये फाइल जो है सेव करनी है, जहाँ पे आपकी बाकी की HTML फाइल है वहीं सेव करना बेटर है। और यहाँ पे आपको लिखना है फाइल का नाम, स्टाइल नाम कुछ भी दे दो, पर आपको लिखना है स्टाइल डॉट CSS और सेव करना है। ये हो गया CSS। तो डॉट CSS लगाना बहुत जरूरी है, ये एक्सटेंशन है CSS का। सो कोई भी नाम फाइल हो पर डॉट CSS लगाना कंपलसरी है। अभी यहाँ पे ये फाइल तो यहाँ पे आ गई, इसे अभी लिंक, यहाँ पे इसे लिंक करना पड़ेगा HTML फाइल के अंदर, तो ही यहाँ पे जो भी स्टाइल दोगे वहां पे कनेक्ट होगा। तो लिंक करने के लिए जो है यहाँ पे आपको हेड के अंदर जो है, हेड के अंदर आपको लिखना है लिंक। तो इसे मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो CSS को लिंक करने के लिए लिंक ही लिखना है आपको। लिंक लिखने के बाद यहाँ पे एक rel देना है, स्टाइल शीट ये कंपलसरी नहीं है, आपको href लिखना जरूरी है। href मतलब CSS की प्लेस, कहाँ पे वो
है वो जो फोल्डर है सीएसएस का कहाँ है, तो मोस्टली एचटीएमएल के साथ ही होता है, तो हमें जो नाम है सीएसएस का स्टाइल डॉट सीएसएस मैंने नाम लिखा है वो यहाँ पे लिख देना है और बस सेव करना है। तो ये लिंक हो गया सीएसएस का फाइल एचटीएमएल फाइल में। अभी ये लिंक होने के बाद अभी मैं यहाँ पे एक और पैरा बनाती हूँ P1 करके। सो P1 करके मैंने एक और पैरा बना दिया है और यहाँ पे मैं सेम सेंटेंस दे ले रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं स्टाइल देती हूँ, तो स्टाइल जो है उस फोल्डर में ध्यान है आपको, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्टाइल वेल भी नहीं लिखना है, जस्ट P1 को मैं स्टाइल दे रही हूँ। तो कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना है कलर, तो कलर मैं इसका दे दूंगी कोई भी आप दे सकते हो, आपकी मर्जी हो, ब्राउन दे देती हूँ इसे कलर। और इसका फॉन्ट साइज मैं चेंज करती हूँ, थर्टी पिक्सल, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टाइल का सीएसएस का अलग फोल्डर बनाया है, वहां पे यहाँ ये जो P1 है उसका अलग से यहाँ पे मैंने स्टाइल दिया है और इसको लिंक किया है हेड के अंदर, लिंक लिख के, ठीक है। अभी मैं सेव करूंगी तो आप देखोगे कोई भी चेंजेस नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने सीएस जो है सीएस को सेव नहीं किया है। अभी इसे सेव करती हूँ। ओके, तो आप सेव करने के बाद आप देख सकते हो इसका कलर ब्राउन हो चुका है और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल हो गया है। तो ये मेथड है सीएसएस के। तो ये था इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो थैंक यू, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।